पट्टे ले लें, ये दवाइयाँ ले लें, ये खाने की चीजें ले लें, आपको हमारे जज्बे कम नजर आ रहे हैं। ये 22-25 करोड़ आवाम के दिलों से इमरान खान को कैसे मिटाए, ये बहुत छोटी बात है। यानी मैं ये समझती हूँ कि इससे ज्यादा डर आपको इमरान खान का हो ही नहीं सकता कि आपने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ चलता है ना, हाँ मीडिया पे तो आपने ब्लैकआउट किया होगा, उसकी पार्टी का आपने सिंबल ले लिया, उसके बावजूद भी 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब बरपा हुआ, आवाम निकली। दूसरी बात, ये जो 9 मई का है, हमने वहां पर भी और उस दिन भी बैरिस्टर गौहर ने कंडेम किया है उसको, लेकिन आप ये बताएं कोई उस चीज को कंडेम करेगा जो 50,000 घरों को चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, तकरीबन कोई 100 औरतों को आप लोगों ने जेलों में डाला हुआ है, आज भी औरतें हमारे कारकुन जेलों के अंदर सड़े हैं, उनकी फैमिलीज बाहर रुल रही है, 84 हमारे लोग मिलिट्री कस्टडी के अंदर है, वहां परवेज इलाही साहब की क्या हालत है, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की क्या हालत है, एजाज चौधरी साहब की क्या हाल है, मैं खुद इतनी बीमारी हूँ, चले मेरी तो वो एज नहीं है, लेकिन खान साहब के ऊपर कभी आप शीशे की दीवार खड़ी कर देते हैं, कभी आप पत्थर लगा देते हैं आगे, क्योंकि मीडिया से इधर ये डर है ना, एक शख्स का आपने उसकी तस्वीर हटा दी, सिंबल ले लिया, फिर भी अब आप उसके साथ रहिए। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, हम इमरान खान के हम उसके साथ खड़े, तस्वीरें क्या ये 10 तस्वीरें छोड़ेंगे ना, क्या ये मेरे हाथ से नाम मिटा सकते हैं खान का, क्या ये जमिया वाली का सीट के लेकर जा रहे थे रमजान के अंदर, तो क्या पैगाम बताइए, पैगाम दिया जो करना है कर दो, खान हमारा गाइड, हमारा लीडर, हमारा चेयरमैन, हमारा वजीर। अब ये जो मुहिम शुरू होने जा रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूरे मुल्क में, इस पूरे मुल्क में इस हवाले से क्या कहेंगे, उस वक्त बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो है अपना मौलाना फजल उससे जो कि पहले आप उनके खिलाफ थे, अब उन्होंने भी इमरान खान के हक में बयान दिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कुछ पार्टी वर्कर जो वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के हवाले से वो जो मुखालफत करते हैं। देखिए हमने और खान सर ने हमेशा ये कहा, हमारी सियासत असूल की सियासत, हमारी सियासत नजरियात की सियासत है, हमारी सियासत ये नहीं है कि हम सिर्फ मुकमुका गठजोड़ करप्शन के लिए, दौलत इकट्ठी करने के लिए, इन लोगों के लिए कि इकतदार में आना है तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बात हो रही है असूली, और बात ये हो रही है कि मैंडेट चोरी, जो मैंडेट चोरी के ऊपर जो भी पार्टी हमारे साथ होगी हम उसके साथ बैठेंगे, और हम बैठेंगे क्योंकि ये बात अवाम की है, अवाम के पहले आपने पैसे पर डाका मारा, अब वोट और मैंडेट पर डाका मारा है, उसके बाद मुल्क के पॉपुलर लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, तो हम असूली सियासत के ऊपर ये तहरीक भी चलाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि हम बार बार यही बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग थे, हम पुरअमन हैं, और हम पुरअमन तौर पर ही कहते हैं।